पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी बाजी मार ली आपके उम्मीदवार मोहिंदर पाल भगत की शानदार जीत हुई है। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा क्योंकि अपने दोनों को करारी हार दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहिंदर पाल भगत को मात देने वाले शीतल अंगुराल दूसरे नंबर पर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सुरिंदर कौर तीसरे नंबर पर रही है। बता दें कि आप प्रत्याशी मोहिंदर पाल भगत ने 30,325 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने 55,246 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शीतल अंगुराल को 17,921 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस की सुरिंदर कौर को 16,757 वोट मिले। मोहिंदर पाल भगत को 58.39%, शीतल अंगुराल को 18.94%, कांग्रेस की सुरिंदर कौर को 17.71% वोट मिले हैं। शिरोमणि अकाली दल की सुरजीत कौर को 1.31% वोट मिले हैं। वे 1242 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रही। जालंधर पश्चिम सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। यहां कुल 54.90% मतदान हुआ था, जिसकी वजह से यह कहना तक मुश्किल हो गया था कि जीत किसकी होगी या सीट की, हर बार किसकी नई पार्टी का उम्मीदवार जीत दर्ज करता रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीत को दोहरा दिया है। बता दें कि 2012 में इस सीट पर बीजेपी जीती थी, तो 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, फिर 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी। वहीं अब उपचुनाव में फिर आप प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है।